आज हो रही है हम लोगों के यहाँ टंकी की सफाई, और टंकी की हालत देखिए, टंकी की मिट्टी देखिए। ये कल से ब्लॉकेज हुआ था पानी का आने का, मोटर बंद हो गई थी, अभी बड़ी मुश्किल से एक घंटे बाद मोटर चली है, टोटल ब्लॉकेज हो गया है पूरा। ये मिट्टी निकली है कल से, क्या कहाँ से मिट्टी आ गई इतनी नीचे से, और जो टंकी का पानी है, टंकी दिखाने लायक नहीं अंदर से देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और ये तो टंकी साफ हो रही है आज, और टंकी की हालत इतनी बुरी है, दो दिन में इतनी मिट्टी, बीच में साफ रही इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है, बट कोई मतलब नहीं साफ कराने, क्योंकि पानी में बहुत मिट्टी आ रही है इस टाइम पे। वही पानी फिल्टर में फिल्टर हो रहा है, हम लोग के फिल्टर का भी क्या हाल होगा अभी नहीं पता है। टंकी का तो हाल आप लोगों ने जैसे कि देख लिया होगा, गारा निकल रहा है ना, पूरा ऐसा गारा की गारा निकल रहा है, और कल तक इतनी मिट्टी, इतनी मिट्टी, और उससे हम लोग नहाए हैं कल वन में। देखो क्या हो गया, तो गौर से देख रही है। उससे रिमोट से, रिमोट से बेटा, रिमोट चला रहा था अभी तो हाथ से। मैं लिफ्ट दे दो अपने बुग्गू डुग्गू को। तो यार ये ना दो पोछे के कपड़े सुखाए थे, सूख गए, देखो तो जो सूख गए, कैसे धो के सुखाया था ना। तो ये देखिए, राजा ने ना मुझे कवर दिलाया है, तो ये जो है ऑनलाइन मंगवाया है, इसमें ना यहाँ पे ये जो है सपोर्ट है रखने के लिए, पर मैं अभी ना चेंज कर रही हूँ इसे, क्योंकि ना अभी डुग्गू इसको बार बार खींच रहा है, मेरे को लग रहा है बाहर जाने के लिए रखते हैं, और ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल है ऐसे कि अभी डेली यूज़ के लिए। ओनली 352 रुपीज़ का है ये कवर, तो इसको अभी मैं चेंज कर रही हूँ, जा रही थोड़ी बालकनी क्लीन कर ली जाए, बालकनी बहुत समय से क्लीन नहीं हुई है। चले डुग्गू, तो बालकनी मैंने क्लीन करी, मेरे पे झाड़ू लगा नहीं है, अजवाइन का पानी बनाया है, और मैं दोबारा से अजवाइन का पानी लेना शुरू करूँगी। मैंने लौकी भी थोड़ी थी स्पेशली बीच में ना, किसकी तबीयत खराब हुई थी मुझसे, और मैंने ना कपड़ा चेंज किया, उस पर पूरे बस ने दूध गिरा दिया, अपने पे भी दूध गिरा दिया। जियो भू का खाना बन रहा है अभी, मुझे आज ना बीटरूट वगैरह लाने, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, मुझे ना चक्कर चक्कर चाहिए, मैं उठी हूँ, मेरे को चक्कर आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेट भी खराब, मैं खा ऐसे रही नहीं हूँ जैसे कि मुझे खाना खाना चाहिए, प्रॉपर डाइट पे हुई नहीं अभी, मतलब जो मिल जाता है, हाथ लग जाता है वो मैं खा लेती हूँ, फिर कभी कभी मेरा जो लंच है वो ऐसा हो जाता है कि मेरे को नमकीन पे सर्वाइव करना पड़ता है, इसलिए मैं सुबह उठ के आजकल इन लोगों से जल्दी पहले खाना बना लेती हूँ। तो दिन में खाना खा लिया, और मैं अब सोच रही हूँ अजवाइन का जो पानी है वो शुरू करने की, क्योंकि मेरा वेट पुट ऑन हुआ है, मेरा वेट पहले गिर रहा था, अब वापस पुट ऑन होना शुरू हो गया, तो वो ही अभी ना क्या है, पानी भर रहे हैं, उसके बाद नहाएंगे, पता वापस से मिट्टी का ही पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, नीचे गए थे ऊपर से मोटर भी ऑन नहीं हो रही है, नीचे जाके मोटर ऑन हो रही है, मैं नीचे घर में जाना पड़ रहा है बार बार, तो मोटर ऑन हो रही है, मोटर भी नहीं ऑन हो रही है। बच्चों को यहाँ पर लेके बैठी, क्योंकि राजा जो है वो काम करा रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है साफ़ कराने का, फिल्टर गया, मेरी वॉशिंग मशीन भी चली जाएगी, जो वेस्टर्न का फ्लश है उसमें तो आई थिंक जहाँ पानी भरता है उसमें मिट्टी जम गई है, तो वो ब्लॉकेज आ गई, इतना ज़्यादा, लेकिन नुकसान पे नुकसान हो रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, इतनी मिट्टी खींच रही है मोटर की ना, पानी ब्राउन कलर का आ रहा है, और पूरा जो काम है पीछे वाले एरिया से होगा जो भी काम है, और आधा घर खुला हुआ है नीचे का, आधे में ताला लगा हुआ है कि अगर हम लोग कुछ कराना भी हो तो हम नहीं करा सकते हैं, वो बंद पड़ा है घर पूरा, मतलब कि मेन बेडरूम वाला एरिया, पीछे वाला एरिया बंद पड़ा है कि अगर आपको मोटर का कोई काम भी हो तो आप नहीं करा सकते, सिर्फ रसोई वाला एरिया खुला है जहाँ से ऑन एंड ऑफ होता है, बाकी पूरे कमरे वगैरह में लॉक लगा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें यार, क्योंकि वहाँ से ना खुदाई होगी, बहुत लंबा लंबा काम है, आपको पता है शायद इनके यहाँ बोरिंग होगी,
है ना बोरिंग होगी उनको, लोगों को पता होगा वाटर लेवल जो रहता है वो ना टाइम टू टाइम थोड़ा नीचे जाता रहता है, तो ये मोटर लगे हुए 20 साल हो गए होंगे, तो वहाँ पे और खुदाई होगी नीचे क्योंकि पानी का लेवल नीचे चला गया है बहुत ज़्यादा। आजू बाजू में कहीं दिक्कत नहीं हो रही, हम लोगों के यहाँ पे दिक्कत हो रही है। और अब नहीं पता यार, 2 महीने नहीं आते, 3 महीने नहीं आते, कुछ नहीं पता है, पानी की बहुत समस्या होगी। लॉक लगा है और मैं तोड़वा भी नहीं सकती क्योंकि अगर मैंने लॉक तोड़वा दिया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, घर में ना फसड़ फंस जाएगी अगर लॉक टूट गया तो। नहीं आ रहा है पानी का, क्या करने वाले हैं हम लोग, मिट्टी के पानी से बच्चों को भी क्या होगा, फिल्टर में भी यार कितना भी छान के आ रहा है कुछ भी आ रहा है, बच्चों को आने वाले टाइम में स्टोन हो जाएंगे। डूजिया भी ले रही है वो पानी क्योंकि फॉर्मूला ले रही है उसमें, डुगू तो रेगुलर पी ही रहा है, इन्फेक्शन होंगे पेट के ये वो। इतना गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है। बात यह है कि मेरे को लग रहा है, राजा से मैं कह रही थी यार लॉक आ मार नहीं कि लॉक अगर खुलवा सकते तो इंटरलॉक लगे हुए हैं, तो घर में उतना एरिया खुला हुआ है कि हॉल से अगर अपने नीचे का घर देखा होगा हॉल से रसोई तक आप जा सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं खुला हुआ, चाबी वगैरह भी पता नहीं कहाँ है। और मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है बच्चों का पानी वानी सब कैसे क्या करने वाले। ये पानी है यही फिल्टर में फिल्टर हो रहा है, क्वालिटी पूरा पानी इतना गंदा है ये देखिए। अब नहाने का मन भी नहीं करता ऐसे में यार, पूरा मतलब नलों से इतना मतलब बाल्टी क्लियर करके भरो पूरी बाल्टी में ब्राउन कलर का, तो मैं समझ नहीं पा रही क्या करूँ, आप लोग बताइए यार क्या कर सकती हूँ मैं ऐसी कंडीशन में, ये पानी को कैसे वो किया जाए, किसी को ऊपर से उतारा भी जाएगा तो अगर खुदाई वगैरह होगी तो पूरी मशीन वगैरह अंदर जाएंगी, तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो दादा से कह रही हूँ कि दादा तुम देखो कुछ मिल जाए तो हम लोग यहाँ से चलते हैं बस, क्योंकि हर चीज़ अभी पता है नहीं, मोटर चलाने भी अगर रात के 12 बजे भी पानी जाएगा तो नीचे जाना पड़ेगा, रात के मतलब मोटर खाली होगी, मतलब मोटर भी नहीं चल रही है उसको नीचे से जाके ऑन करना पड़ रहा है। बट गलीमत यह है कि रसोई में वो नहीं है, क्या जैसे दरवाज़ा नहीं है, वरना वो भी शायद नहीं मिलता जाने वहाँ पर, वही समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग गए ही नहीं थे जब से मम्मी पापा गए, आज हम लोग का ना वो हुआ मोटर चल नहीं रही थी, मोटर वो क्लीन भी कराना था इसलिए फिर राजा गए और उन्होंने बोला कि घर ही लॉक है तो कहाँ से मैं मशीन वगैरह ला के ठीक कराता हूँ या कुछ कराऊँगा, समझ में नहीं आ रहा यार ऐसे पानी के साथ बच्चे मतलब तो बीमार होंगे, स्किन इन्फेक्शन होगा है ना, और स्टोन ना हो जाए आने वाले टाइम में, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़िल्टर कितना मेरे को लग रहा फ़िल्टर भी गया, फ्लश लग गया वहाँ का और बाहर वाले बाथरूम का फ्लश नहीं काम कर रहा, वहाँ पर पूरा आई थिंक मिट्टी जम गई है उसते हैं, ऊपर से बाल अलग उड़ेंगे, शक्ल अलग ख़राब होने वाली है उसे पानी में, क्योंकि क्या है ना अगर बच्चों वाला घर है इवन आप दो लोग भी हो ना तो आप टैंकर बुलवाओगे कितनी बार, टैंकर बुलवाओगे कितनी बार, ऊपर ऊपर का और तीसरी मंजिल पे फिल होना पानी इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और इतना पानी लगता है ना इतना लाइक कपड़े धुल रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वही सब चीज़ें हैं। तो चलिए यार देखते हैं क्या करा सकते हैं, यहाँ भी खेलना चालू है, क्या लेना है डुगू, हाँ तू क्या लेने आया, लेने आया हो, हाँ बता दो क्या चाहिए। वो स्पेशली आज मेरे को तो दूध लेना था, शॉपिंग करने आया है, तो पूरे मार्ट में घूम रहा है शॉपिंग कर रही है। डुगू क्या लिया डुगू ने, आ जाओ बता दो। उसको जैसे डी मार्ट हम लोग जाते हैं वहाँ स्टूल से खेलता है, तो पूरे मार्ट में आ गई थी स्टूल घुमा हुआ भी खेल रहा है। हाँ यहाँ मिल गया तुम्हें स्टूल, और आराम से आराम से धीरे पूरे वार्ड में गोल गोल घूम के स्टूल से खेला जा रहा है, घर पे स्टॉलर से खेलता है। हाँ 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 क्या 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 हाँ 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 क्या चाहिए, ये नहीं होता कंट्रोल, ये कहीं भी जाएगा इसको सिर्फ मस्ती चाहिए, मस्ती करना है फुल मस्ती टोटल मस्ती है ना डुगू, चले चले नहीं यहीं घूमना है, बंद होने का समय हो गया है, हाँ क्या घूम लो, हाँ घूम लो, चले गुड्डा कहाँ है,
अरे डुगू का बुगू कहाँ है? बुगू 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 कहाँ है? कहीं पे रख दिया है। चलिए देखते हैं कि डुगू इस बार अपना बुग्गू ढूंढ पाता है कि नहीं। यहाँ चल चलो बुग्गू देखो। हाँ कहाँ है? देखो कहाँ है, याद करो कहाँ है, याद करो कहाँ है, जल्दी याद करो, बताओ कहाँ रखे थे। चलो ढूंढो ढूंढ लो, चलो ढूंढो, याद है कहाँ है? यानी 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 देखो कहाँ है, कहाँ है, याद है, याद है कहाँ है? ओ मिल गया। ढूंढ लिया बुग्गू डुग्गू ने। चलो चलो चल रहे हैं, हो गया, आ जाओ। चलो मिल गया ना बुग्गू? क्या क्या बंद कर रहे हैं बेटा? चलो 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 ले लीजिए। तो जी आज भी दोनों सो गए हैं, खाना खा लिया गया है और मैं अपने लिए अब बजाऊंगी अजवाइन का पानी, क्योंकि मैंने आज से शुरू किया है वापस से अजवाइन का पानी। तो मैं उससे पहले ना थोड़ा घर क्लीन कर रही थी, क्योंकि घर की हालत इतनी बुरी हो जाती है, तो वो सो जाते हैं ना तो मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ। चादर लगाने में मेरी हालत खराब हो गई, तो लगा दी है ये चादर, अभी चादर रहेगी परमानेंट फिक्स, और वो जो है वो धोने डालूंगी मैं। मम्मी मामली से उठा, हाँ ये डुगू को उठा ही दिया। मिटू आ गए, इसलिए दोनों बच्चों को साथ में सुलाना चाहिए ना। आई रू अजवाइन का पानी और नील पर लगाने की सोची इतनी देर में दोनों उठे। डुग्गू सो गया, जिया उठ गई तो जिया उठ जाती है और अच्छे से उठ जाती है। मतलब हम लोगों के यहाँ पे है कि हम लोग रात में नहीं सो सकते जब तक जिया, यार जिया आजकल बहुत लंबा जगती है। एक्चुअली मैं ना वो सोते सोते उल्टी जाती है और फिर खेलने लगती है, अलग ही फंडा चल रहा है ना बेबी। आपको नहीं छोना अभी भी, देखिए अभी भी इसका ये काम लगा हुआ है। ये मैं जा रही हूँ घूमने, तो मेरे पास एक आया था कि आप इसे खिलौने क्यों नहीं देते हो,
तो हम इसे खिलौने इसलिए नहीं देते, एक तो हर चीज इसे मुंह में डालनी होती है, मारा है। और इसने भी मेरी नेल पेंट ली और नेल पेंट पे जाके गिर गई और फिर रोई है ना। छोटू छोटू सी भैया हूँ मैं, बहुत थोड़ा तेज भी बोली हूँ मैं अभी। बीतू डुगू सोया हुआ है घर में, काफी सारी शांति हो रही है। लहंगे निकाल के रखे हैं यार, डाल नहीं पा रही, आज जाके पक्का डाल के आऊंगी लहंगा। और इसमें एक अनारकली सूट है वो डाल के ना। ए बैठ जा, मैं नहीं बैठूंगी। फ्रस्टेशन हो रही हो। मुझे खाना खाना है और मुझे खाना कोई नहीं खिला रहा है। अब बताओ ये कोई असही बात है? 6 महीने 1 दिन की हो गई हूँ, नहीं नहीं 6 महीने 3 दिन की हो गई हूँ, अब मुझे कोई खाना नहीं पूछ रहा। कैसे घर वाले मिले मुझे? क्या मेरी मम्मी को बच्चों का खाना बनाना नहीं आता? क्या लगता है आपको? बहुत मच्छर घूम रहे हैं, बहुत मच्छर घूम रहे हैं। यार गर्मी या ठंड आ कहाँ रही है यार, ठंड का कोई नामो निशान कुछ नहीं, मतलब ठंड नहीं आ रही आराम से भी। तो पता नहीं यार कब तक ठंड। वैसे पता है नवरात्रि में पहले हम लोग जब जाते थे रात में ठंड हो जाती थी, अभी भी हल्की ठंड है बाहर, हल्की एकदम, मतलब फील होता है कि घर से निकल रहे हो तो रात में, दिन में नहीं रात में फील होता है, पर वैसी ठंड नहीं है जैसी होनी चाहिए। जो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ये मम्मा मेरे को बहुत परेशान करती है आजकल, खाना नहीं दे रही है, बाकी सब कुछ कर ली मेरे साथ। कोई है तो मुझे खाना खिला सकता है? बहुत मन करता है मेरे को खाना खाने का, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। 6 महीने से वेट कर ली थी कि कब खाना खाऊंगी, कब खाना खाऊंगी, और अब जाके मुझे मौता मिला है तो मुझे कोई खाना ही नहीं खिला रहा। ऐसी कोई बात होती है? ऐसी कोई बात होती है? नहीं होती ना ऐसी कोई बात, नहीं होती। तो तुम्हें मैं जरा खाना खिलाऊंगी अभी, अजवाइन का पानी पिला दो। पियोगे अजवाइन वाटर? थोड़ा स्लिम ट्रिम हो जाओ। दरिया एक पता नहीं क्यों जिया के पीछे ऐसे ऐसे पड़ी है या पड़ा है, आई डोंट नो कौन है वो इंसान, एक 6 महीने के बच्चे से ऐसी दुश्मनी। बोल के पढ़ा तुमने अभी भी? ये आया था कि ये मोटी तो 1 साल की लगती है, और उससे पहले जिया के लिए आया था इसके बाल कितने, मतलब सीरियसली वो मेरी बच्चे के पीछे इतना पड़ी हुई है कि मैंने इसको फिर आज कॉमेंट भी किया। अगर उठ गया ना, उठ गया मम्मा मेरा अजवाइन का पानी।